हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। सो रिसेंटली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू हुई है पोर्ट्स को एम्पावर करने के लिए, जिसको सागर सामाजिक सहयोग भी कह सकते हैं। ये इस नाम से भी बेसिकली इशू हुआ है, इट्स सागर सामाजिक सहयोग। सो यहां से आप समझ ही गए होंगे कि समथिंग इज रिलेटेड टू द सोशल responsibility. So we'll see why news, what are the key highlights of this guidelines, CSR committee kise kehte hain, then expenditure allocation, kaise kaise expenditure hoga, corporate social responsibility kise kaha jata hai, India ke major ports hum dekh lenge. After that we have our prelims and the mains practice question. So let's start. Why news? Jo Ministry of Ports, Shipping and Waterways hai, isne launch kiya hai Sagar Samajik Sahyog. ये इसकी न्यू गाइडलाइंस हैं बेसिकली, जो कॉरपोरेट कंपनीज वहाँ काम करती हैं पोर्ट्स पर, उनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनहांस करने के लिए और पोर्ट्स को एम्पावर करने के लिए, ताकि वो लोकल कम्युनिटी के इश्यूज को एड्रेस कर पाएं एक ज़्यादा कॉपरेटिव और ईजी मेथड में, स्विफ्ट इन द स्विफ्ट मैनर। सो वट आर द की हाईलाइट्स ऑफ द गाइडलाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल दे वुड बी द CSR फंडिंग। सो पोर्ट्स को बेसिकली एक स्पेसिफिक जो परसेंटेज है, जो भी उनका एनुअल नेट प्रॉफिट हो रहा है, उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज इनको कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटी के लिए रखना पड़ेगा। एंड ये रेस्पेक्टिव टर्नओवर पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा जिसका टर्नओवर होगा उतनी कम उसकी परसेंटेज होगी, क्योंकि बाई शेयर अगर देखें तो उसका प्राइस उतना ही बढ़ता जाएगा। नाउ पोर्ट्स का अगर हम देखेंगे, सो एनुअल टर्नओवर जिनका 100 करोड़ से कम है वो 3-5% स्पेंड करेंगे, जिनका टर्नओवर 100-500 करोड़ है वो 2-3% स्पेंड करेंगे, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है वो 0.5-2% स्पेंड करेंगे। ये परसेंटेज कम हो रहा है, इससे आपको ये नहीं होना चाहिए कि पैसा भी कम हो जा रहा है, जबकि इससे जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पे ये अमाउंट ज्यादा है। नाउ इसमें से एक चीज और होगी कि जो 2% जो जितना भी टोटल CSR एक्सपेंस होगा, ये पोर्ट के मॉनिटरिंग के लिए डेडिकेट किया जाएगा, ताकि और ज़्यादा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके इन CSR प्रोजेक्ट्स जो होंगे, इनका भी मॉनिटरिंग वगैरह देखी जाएगी। सो दैट वुड बी एलोकेटेड विद द 2%। नाउ CSR कमेटी क्या है? सो हर एक मेजर पोर्ट के पास एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी होनी चाहिए, जिसको हेड करने वाले डिप्यूटी चेयरमैन होंगे, एंड इनका काम होगा टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द CSR इनिशिएटिव्स ऑन देयर पोर्ट रेस्पेक्टिव। Now committee would be headed by the deputy chairperson of the major port, और दो other members भी इस committee में हो सकते हैं। Now expenditure कैसे कैसे होगा? Now 20% जो भी expenditure होगा वो सैनिक कल्याण बोर्ड जो district level पर है यहाँ होना चाहिए, या National Maritime Heritage Complex पर देना चाहिए, या फिर National Youth Development Fund में उसको देना चाहिए। Then जो next 2% है, इसका जो है हमने देखा था कि ये मॉनिटर जो प्रोजेक्ट जितने भी CSR के प्रोजेक्ट्स जो पोर्ट रन कर रहा है उनकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होना चाहिए, ताकि उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और जो बाकी बचा 78% का जो फंड है, ये सोशल और एनवायरमेंटल वेलफेयर को देना चाहिए कम्युनिटी एरियाज में, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सोलर, विंड एंड ऑल, देन हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, प्रमोशन ऑफ लिवलीहुड फॉर इकोनॉमी वीकर सेक्शंस लिविंग इन दैट सोसाइटी, कम्युनिटी सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट, हॉस्टल्स में एटसेट्रा, दीज अदर थिंग्स। व्हाट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है एंड इट सजेस्ट दैट जो कॉर्पोरेशंस किसी एक एरिया में वर्क कर रही हैं, उन कॉर्पोरेशंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट दे'ल हैव टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट इन दैट सोसाइटी। दिस इज वॉट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट कंपनी और द कॉर्पोरेशन वर्किंग इन दैट एरिया। एंड इफ वी विल सी दिस फ्रॉम अ वेरी लार्ज पॉइंट, सो दे विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी लिविंग इन दैट रीजन। नाउ जो कंपनीज एक्ट था 2013 का, ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था या लॉ था, इसने भारत को पहली कंट्री बनाया था दैट वाज टू मैंडेट एंड आल्सो टू क्वांटिफाई द CSR एक्सपेंडिचर। नाउ चार मेन टाइप की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
नाउ द सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट, ये इट प्रिस्क्राइब्स थ्रेशोल्ड्स टू आइडेंटिफाई द कंपनीज, ये ऐसी कंपनीज जिनको सीएसआर कमेटी कंस्टिट्यूट करनी चाहिए, इन कंपनीज को बेसिकली आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो इस सेक्शन के अंडर इसने प्रेस्क्राइब किया है। एंड दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू, अगर उनकी नेटवर्क 500 करोड़ है, टर्नओवर इज 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट लगभग 5 करोड़ जाता है, तो इनको यहाँ सीएसआर कमेटी बनानी ही बनानी पड़ती है। नाउ वील सी अबाउट द मेजर पोर्ट्स। सो हियर यू कैन सी दैट कंडला, मुंद्रा, दीज आर इन द गुजरात, जामनगर, देन मुंबई, गोवा, मैंगलोर, दीज आर द आर्टिफिशियल पोर्ट्स, मैंगलोर, तुटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। सो देन वी हैव द हल्दिया, कोलकाता इन द वेस्ट बंगाल रीजन, देन पारादीप हियर, देन कोचीन हियर। इफ यू विल सी द लिस्ट, बिकॉज इससे बन सकते हैं क्वेश्चन। सो इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से 205 नोटिफाइड माइनर हैं। यूपीएससी आपसे कई बार वेटलैंड्स की लोकेशन पूछ लेता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लोकेशन पूछ लेता है, और रिसेंटली पोर्ट्स वगैरह में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो देयर आर फेयर चांसेस कि वो पोर्ट्स की लोकेशन भी आपसे पूछ सके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन राइट इट डाउन टू रिमेंबर। सो मेजर पोर्ट्स में कोची एयरपोर्ट जो है वो केरला में है, एन्नोर तमिलनाडु में होगा, हल्दिया इज इन वेस्ट बंगाल, वी जस्ट सॉ इट, कोलकाता वुड बी ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल, कांडला जो है वो गुजरात में है, मैंगलोर अगेन इट्स इन कर्नाटका, देन मरमा गोवा इज इन गोवा, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में होगा, जवाहरलाल नेहरू भी महाराष्ट्र में होगा, देन प्रदीप एयरपोर्ट जो है वो उड़ीसा में होगा, टूटीकोरिन हमने देखा था वो तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम ऑब्वियसली इट वुड बी इन आंध्र प्रदेश, देन वी हैव चेन्नई पोर्ट, ये होगा तमिलनाडु में। सो इट्स इजी टू रिमेम्बर, यू शुड रिमेम्बर इट। नाउ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल, कांडला मुंबई, मैंगलोर कर्नाटका, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, आई होप यू ऑल कैन आंसर इट, यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन, दे लेट यू नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट। देन वी हैव आर मेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट द आइडियल्स ऑफ द सोशल जस्टिस एनश्राइड इन आर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। सो यू कैन जस्ट ट्राई टू आंसर इट। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो एंड सेशन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद एनालिस्ट आईएएस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। मेन्स 2023 एंड द फीवर एंड टेंशन अबाउट मेन्स एंड इथिक्स राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से इथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूँ। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशन में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज, हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50, तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें। इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। Till then, see you guys. Jai Hind.